जैसा अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कल कुल मरीजों की संख्या में कमी आई है तथा संक्रमण से मुक्त होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। इस प्रकार संक्रमण में कमी के संकेत हैं, क्योंकि कल 2,29,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं और उतने अधिक टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। तो ये एक अच्छी बात है और अच्छा संकेत है प्रदेश के लिए। प्रदेश की सरकार जहां पर सर्विलेंस का पूरा काम जहां पे चल रहा है, पूरा एक अभियान चल रहा है, पूरे देश में सबसे बड़ा अभियान, जहां घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें सत्यापन कर रही हैं, संक्रमित व्यक्तियों को उनका हालचाल जान रही हैं, ढूंढ रही हैं, तो लगभग 16 करोड़ की जनसंख्या तक ये टीमें हमारी पहुंच चुकी हैं। और उसके साथ साथ यदि हम 3,97,00,000 जो अभी तक टेस्ट हुए हैं वो मिला लें, तो लगभग 20 करोड़ की, 24 करोड़ की जनसंख्या में से 20 करोड़ की जनसंख्या तक उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वास्थ्य विभाग पहुंच चुका है, पहुंचा है और संक्रमण का हाल लिया है। वैक्सीनेशन की जैसे अभी बताया गया, प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो जितने हमारे नागरिक हैं, सबको निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीन की व्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने निर्णय लेकर लगभग 1 करोड़ डोज का आदेश भी विभिन्न कंपनियों को प्रसारित कर दिया गया है। जैसे ही अभियान आरंभ होगा, विशेष तौर पर खुले स्थानों पर, कार्यस्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में प्रतिदिन टीकाकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। जैसा अभी आपको बताया भी गया कि जहां जहां जिन जिन व्यक्तियों ने टीका लगवाया था, उनमें यदि संक्रमण की समस्या हुई है, उनको संक्रमण हुआ है, तो संक्रमण का बहुत असर नहीं हुआ है, उन्हें माइल्ड संक्रमण हुआ है, तो संक्रमण से बचने के लिए भी टीकाकरण कराया जाना बहुत आवश्यक है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रातःकाल समीक्षा में काफी नए निर्देश भी दिए हैं। उन निर्देशों में कुछ अभी आपको बताए गए, जिनमें मुख्यतः ये कि किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापिस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा, और निजी अस्पताल में जब भेजा जाएगा तो उसका सारा व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। किसी प्रकार से किसी भी गरीब की को बिल पर, निजी अस्पताल के बिल से वो बिल उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी, यदि निजी अस्पतालों में मरीज स्वयं जाकर अपना इलाज करा रहे हैं, वहां पर भी उनकी दरें तय की गई हैं। किसी भी प्रकार से ये अलाउ नहीं किया जा सकता है कि कोई भी निजी अस्पताल मरीजों से अधिक धनराशि वसूल करे। उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध है और प्रयास किया जा रहा है कि जितना आवंटन उत्तर प्रदेश सरकार को है, वो आवंटन के हिसाब से पूरी उपलब्ध रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे भविष्य के लिए ये निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक हर 100 बेड का जो अस्पताल है, वहां पर ऑक्सीजन का अपना एक प्लांट होना चाहिए, और ये प्लांट ऐसा होना चाहिए जो कि एटमोस्फियर से ऑक्सीजन बनाए। उसके लिए बाहर से लिक्विड ऑक्सीजन लाने की आवश्यकता नहीं होगी, होनी चाहिए। उसी के क्रम में जैसे बताया गया, 39 अस्पतालों में ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है और मशीनें आनी प्रारंभ हो गई हैं। इसके साथ साथ लगभग 855 जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है पूरे प्रदेश में, जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है, उनमें लगभग 488 करोड़ की लागत से इस प्रकार के ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, और शीघ्र ही स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से उसके लिए धनराशि भी अमुक्त की जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में उन्होंने ये भी कहा है कि रेमडेसिविर की जो दवा है वो सरकारी अस्पतालों में तो उपलब्ध है, परंतु यदि निजी अस्पतालों में भी मरीजों को उसकी आवश्यकता पड़ती है और बाजार में अगर वो उपलब्ध नहीं है, तो सरकारी अस्पताल से उस निजी अस्पताल को उस मरीज के लिए उसे जारी किया जाए, और उसके लिए जो भारत सरकार की निर्धारित दरें हैं वो उन पर उनको उनको दिया जाए। इसके साथ साथ ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देशित किया है कि जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनको मेडिकल किट समय से पहुंचनी चाहिए तथा
होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के साथ को डॉक्टर के साथ एक संपर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदेश में मरीजों को अस्पताल में आने में कठिनाई ना हो, इसके लिए भी ये नए निर्देश दिए गए हैं कि आरटीपीसीआर की मान ली जांच नहीं भी हुई है तो एंटीजन की जांच की तुरंत कर ली जाए और एंटीजन की जांच के आधार पर मरीज को भर्ती कर लिया जाए। 2 दिन की जो बंदी वर्तमान में आज और जो कल था और आज हो रही है, इसमें पूरे प्रदेश में एक बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, स्वच्छता का अभियान चलाया गया है। गांव में और देहात, शहर में, नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों जगह पर पूरा एक बड़ा अभियान चल रहा है ताकि साफ सफाई व्यवस्था पूरी अच्छे तरीके से की जाए। उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज फिर से एक बार समीक्षा की जाएगी सभी जिलाधिकारियों से। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मान मृत्यु होने पर भी शमशान में किसी प्रकार का कोई चार्ज न लिया जाए, कोई किसी प्रकार का शुल्क न वसूला जाए और पूरी धार्मिक जो मान्यताएं हैं, धार्मिक रीतियां हैं, उनके अनुसार ही अंतिम संस्कार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसानों से, कोरोना के बावजूद किसानों से गेहूं खरीद का कार्यक्रम तेजी से चलाया जाए। और आपको ये अवगत कराना है कि लगभग 76 लाख क्विंटल, लगभग 7,67,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय, इसी अवधि के दौरान खरीदे गए गेहूं से, गेहूं की मात्रा से कई गुना अधिक है। लगभग 6,000 केंद्र गेहूं खरीद के लिए खोले गए हैं और ये प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। पहली बार किसानों के प्रगतिशील किसान संगठनों के माध्यम से भी प्रदेश में गेहूं क्रय का कार्य चल रहा है और ये पहला ऐसा प्रयास था जिसमें 150 ऐसे केंद्र खोले गए हैं जिसमें कि किसान स्वयं किसान से गेहूं खरीद के उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी समीक्षा में ये भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसान किसी भी केंद्र पर जाकर अपनी गेहूं उपलब्ध करा सकता है। यदि उसको मौके पर ही क्रय केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी, किसान को कहीं भटकना ना पड़े और उसे किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। किसानों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल की वजह है कि इतनी अधिक संख्या में गेहूं क्रय हो रहा है और ये प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है कि जिलाधिकारी और आयुक्त अपने स्तर से और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निरंतर गेहूं क्रय केंद्रों की समय 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 पर समीक्षा करते रहे, निरीक्षण करते रहे, ताकि कहीं पर भी किसी किसान को अपना गेहूं क्रय बेचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।